नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफर। मैं एक पंजाबी फैमिली में पैदा हुआ। कुछ बातों पर मुझे पंजाबी होने का गर्व होता था, आज भी होता है। मुझे बताया गया था कि पूरी दुनिया में सरदारों की पॉपुलेशन 2.5 से 3 करोड़ है, यानी छोटी सी माइनॉरिटी, लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन हर फील्ड में बहुत ज्यादा है। वो चाहे डिफेंस फोर्सेस की बात हो या फिर एग्रीकल्चर की, इकोनॉमिस्ट की बात हो या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट की, इनकी कंट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है। यानी इंडिया में सरदार 2% हैं, लेकिन आर्मी में सरदार 20% से भी ज्यादा हैं। एक और बात, अब पूरी दुनिया घूम लो, आपको कभी भी कोई सरदार भिखारी दिखाई नहीं देगा। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, फौज में सर कटवा सकते हैं, ड्राइवर बन सकते हैं, ढाबे खोल सकते हैं, किसान बन सकते हैं, लेकिन भीख नहीं मांग सकते। मैंने एक लाइफ कोच होने के नाते इसको स्टडी किया कि ऐसा क्यों है, और मेरी स्टडी का रिजल्ट है कि ये लोग हाई स्पिरिट में रहते हैं, यानी हर समय टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तभी तो जब ये विश भी करते हैं तो आपको जोश दिखाई देता है। इनसे हाल पूछिए, क्या हाल है पाजी, तो इनका जवाब होगा बल्ले बल्ले। ये बल्ले बल्ले क्या है? कुछ नहीं, बस हाई स्पिरिट्स, जोश, जील, हाई एनर्जी, उमंग, उत्साह, जो भी नाम दे दो। और इंग्लिश में कहते हैं एंथुसियाज्म। शायद यही कारण है कि सरदार इतनी छोटी माइनॉरिटी में होने के बावजूद पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं। आपको जनरली सरदार सुपर सक्सेसफुल ही दिखाई देंगे। ये बैक बेंचर्स कभी नहीं बन सकते, हर समय फुल एनर्जी, फुल एंथुसियाज्म। जब मैंने और रिसर्च की तो मैंने देखा कि बात केवल सरदार की नहीं है, किसी एक मजहब या एक कम्युनिटी की नहीं है, बात है तो इस पर्सनैलिटी ट्रेट की, एंथुसियाज्म, उत्साह, उमंग, जोश, एनर्जी, जील। क्योंकि ये पर्सनैलिटी ट्रेट जिसमें भी होगा, आपको वो सुपर सक्सेसफुल दिखाई देगा। वो चाहे किसी भी मजहब, किसी भी रीजन, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कंट्री का क्यों ना हो। तो कुल मिला के ये एंथुसियाज्म आपकी सक्सेस को बढ़ाने का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हुआ। और आज इसी टॉपिक पर आपसे बात करते हैं। इस एंथुसियाज्म, हम शॉर्ट में इसे एंथ्यू कहते हैं, इस एंथ्यू की क्या जरूरत है और कैसे डेवलप किया जा सकता है, यानी कैसे एंथुसियास्टिक बना जा सकता है। लाइफ कैसी जी रहे हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या मजा आ रहा है या कट रही है? अगर कट रही है तो एक्साइटमेंट कहां से आएगी? यानी बनना चाहते थे कुछ और, बन गए कुछ और, कहां से आएगा वो जोश? बिंदास जियो। लोगों के पास आपको देखने का टाइम नहीं है कि आप कैसे जी रहे हो, आप तो ऐसे ही उनके मुताबिक जीना शुरू कर देते हो। जिसमें कंफर्टेबल हो वो पहनो, जिसमें कंफर्टेबल हो बोलो, और जिसमें कंफर्टेबल हो वही करो। खुद की लाइफ जियो, अपने आप ये एंथ्यू नजर आएगा। मैंने अक्सर अपने वीडियोस में बताया है कि जो काम आप बिना पैसा लेने के कर सकते हो, वही आपका पैशन है, वही आपका जुनून है, उसी को करो, पैसा भी उसी में आएगा। जब आप अपने आप को पहचान लोगे कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है, आप सिर उठा के जियोगे। यानी मोर एंथुसियाज्म, मोर एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक होना या एंथुसियास्टिक बिहेव करना, दोनों में फर्क है। अगर आप किसी कारण लो फील कर रहे हो या आप में इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, कुछ कमी सी दिखाई दे रही है, तब भी अपने में एक नकली सी एनर्जी ले आओ, अपने आप में एक जोश भर लो, अपने आप को जोशीले दिखाओ। हे, वॉर में वही आर्मी जीतती है जिसमें जोश होता है। बहुत स्टोरीज पढ़ी होगी आपने भी,
हथियार खत्म होने के बावजूद कई बार कई फौजी इसलिए जीत जाते हैं कि उनमें जोश होता है। स्पोर्ट्स में स्किल से भी ज्यादा जोश आपको जिताता है। स्टडीज में आप अपने जोश के कारण अपने नॉलेज को बेटर डिमॉन्स्ट्रेट कर पाते हो। दिन की शुरुआत थोड़े और ज्यादा जोश से करो, अपनी आवाज को और लाउड कर लो और तेज ऊंचा कर लो। नमस्ते बोलनी है, थोड़ा और जोश ऐड कर लो। नमस्ते जी, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है, पूरे जोश से पूछो। और अगर कोई और पूछे कैसे हो तो जोश से बोलो बल्ले बल्ले, या फिर इंग्लिश में बोलो टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कुछ भी बोलो, बोलो जोश से, चाहे वो जोश नकली ही हो, असली जोश अपने आप डेवलप हो जाएगा। मैंने अक्सर देखा है कि धार्मिक प्रोग्राम्स में जयकारे लगवाए जाते हैं, क्यों, जोश भरने के लिए। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, या फिर जो बोले सो अभे, वैदिक धर्म की जय, या फिर पवन पुत्र हनुमान की जय, जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय, अल्लाहु अकबर, यानी हर बार जोश। कुछ ऐसे ही अपने हर दिन की शुरुआत करो जोश भर के। आप अपने कंट्री के लिए भी नारा लगा सकते हैं, भारत माता की जय, या फिर पाकिस्तानी भाई बोल सकते हैं पाकिस्तान पाइंदाबाद। अपनी हॉबी को जरूर परस्यू करो, ये आप में एंथ्यू भरती है। जितना भी टाइम मिल सके, मैं तो कहूंगा 15 मिनट्स एटलीस्ट डेली करके देखो, आपके एंथ्यू में एक लेवल हाई हो जाएगा। पेंटिंग, सिंगिंग, हॉर्स राइडिंग, गार्डनिंग, डांसिंग, स्विमिंग, जो भी आपकी हॉबी है जरूर परस्यू करो, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही अटका रहेगा, आपका एनर्जी लेवल लो होता जाएगा। ये आपके पॉटी के प्रेशर की तरह है, क्योंकि अगर प्रेशर बना है तो निपटा लो, नहीं तो किसी भी काम को आप ढंग से नहीं कर पाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी लो रहेगी। एंथ्यू कम होने में नींद का पूरा ना होना भी एक कारण है। कभी अंदाजा लगाया आपने कि आपकी बॉडी की स्लीप की रिक्वायरमेंट कितनी है? सभी की अलग अलग होती है, जनरली ये 6 से 8 घंटे के लिए होती है। नींद का पूरा ना होना आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। वैसे तो नींद का पूरा ना होना और भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाता है, आपकी मेमोरी वीक होती है, आपका वेट बढ़ता है, कुछ दिल संबंधित बीमारियों का खतरा बनता है। पूरी नींद लीजिए, कोशिश कीजिए एट ए सिंगल स्ट्रेच एक ही बार में, अगर नहीं पॉसिबल तो 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स में ले लीजिए। से रात को 5-6 घंटे कंटिन्यूस हो जाइए, और दिन में जब भी मौका मिले तो 1-1-2-2 घंटे की नैप ले लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी के साथ आपका मूड भी बेटर होगा, आप ज्यादा एंथुसियास्टिक हो जाओगे, जोशीले हो जाओगे, रिजल्ट बेटर प्रोडक्टिविटी, बेटर रिजल्ट्स एंड बेटर सक्सेस। खाने पीने की बात कर ले, आपकी डाइट का भी आपके मूड के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। फुल न्यूट्रिशन वाली डाइट आपकी बॉडी के लिए तो जरूरी है ही, आपके ब्रेन के लिए भी जरूरी है। आपकी बॉडी को जब सही खुराक नहीं मिलती तो आपके दिमाग को भी प्रभावित करती है, आपका मूड लो रहता है, आपकी एनर्जी निकल जाती है। भूखे रहने से आप लो दिखाई देते हो, पानी कम पीने से भी ऐसा ही होता है। पूरा खाइए, सही खाइए और उसे पचाइए भी, आप एंथुसियास्टिक रहोगे। स्टिफ बॉडी आपकी मसल्स आपके बोन्स को नुकसान पहुंचाती है, आपके बॉडी जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं। आप फिजिकली तो वीक होते ही हो, आपकी मेंटल एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है। जब इंसान बना था तो बहुत देर इसे फिजिकली बहुत काम करना पड़ता था, इसीलिए वो ज्यादा हेल्थी रहता था, उसको डायबिटीज नहीं होती थी, उसको कैंसर नहीं होता था,
ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती थी, घुटने खराब नहीं होते थे, लिवर खराब नहीं होता था, हार्ट ब्लॉक नहीं होता था। हमने इन्वेंशंस कर करके अपनी एज तो बढ़ा ली, लेकिन फुल ऑफ डिसीज़ेस, बीमारियों से भरी हुई, बस हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, डॉक्टर्स का प्रोफेशन बढ़ाने के लिए। आज भी हमारी बॉडी फिजिकल काम करने के लिए ही बनी है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अब इसको बैठकर 10-10 घंटे काम करना पड़ता है, कई कई घंटे टीवी के आगे बैठना पड़ता है, इंटरनेट पे सोशलाइज करना पड़ता है, तभी तो बीमारियां बढ़ती हैं। और बीमारी छोटी हो या बड़ी, सीधा असर दिमाग पर ही होता है। तभी तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, फैटीग जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। लाइफस्टाइल तो अब चेंज हो नहीं सकता, हाँ बॉडी की मूवमेंट्स के लिए कुछ टाइम प्लान करना पड़ेगा। सुबह 5 किलोमीटर तेज चल लो, 10 मिनट्स का लाफ्टर योगा, 15 मिनट्स का प्राणायाम, 15 मिनट की एक्सरसाइज, टोटल टाइम लगेगा अराउंड 90 मिनट्स। लेकिन फायदे मच मोर, अगर आप फिजिकली फिट रहोगे तो ज्यादा एंथुसियास्टिक भी रहोगे। एक बार लाफ्टर करके ही देख लो, 10 मिनट के लिए आपका एंथ्यू मल्टीप्लाई कर जाएगा। एंड माइंड इट, मैं वही सिखाता हूं जो मैं करता हूं। आपके एंथ्यू को बढ़ाने में आपकी ड्रेस का रोल भी कम नहीं है। कई लोग कह तो लेते हैं शर्ट ही पहननी है, महंगी हो या सस्ती क्या फर्क पड़ता है, ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो ब्रांडेड पहनते हैं केवल वही इसका डिफरेंस फील कर पाते हैं। आपका सेल्फ इमेज बढ़ता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड आपका एंथ्यू बढ़ता है। ब्रांड्स केवल दिखाने के लिए नहीं होते, ये बेसिकली आपके मूड को सही करने के लिए, आपको मोर एनर्जेटिक फील कराने के लिए ही होते हैं। अगर ऐसा ना होता तो अंडरगारमेंट्स ब्रांडेड क्यों बिकते, वो तो दिखाई नहीं देते, वो तो केवल आप ही जानते हो। जस्ट पहन के देखो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बदल जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मोर एंथुसियास्टिक दिखाई दोगे। आपकी चाल, आपकी ढाल, आपकी नजाकत करके तो देखो। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज ना होना आपके एंथ्यू को लो करता है, आपका ज्यादा टाइम चीजों को ढूंढने में लग जाता है, आपको थकान भी होती है, और फैमिली मेंबर्स एंड कोलीग्स में शर्मिंदा भी होना पड़ता है, और यही कारण बनता है आपका एंथ्यू लो हो जाता है। ऑर्गेनाइज हो जाओ, शुरू कर दो, हर चीज की जगह फिक्स्ड, कुछ प्लास्टिक या टिन बॉक्सेस ले लो, आपकी रिंग, आपकी घड़ी, आपका वॉलेट एक डिब्बे में, स्टेशनरी आइटम्स दूसरे डिब्बे में, दवाइयों का अलग डिब्बा, ऐसे ही कुछ फाइल कवर ले आओ, पेंडिंग बिल्स की एक फाइल, इनवॉइसेस की अलग फाइल। आपने देखा होगा जब आपकी कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो जाती है और आप कस्टमर केयर को बताते हो कि वो वारंटी में है, लेकिन आप इनवॉइस नहीं ढूंढ पाते। सभी इनवॉइसेस एक फाइल में, सभी सर्टिफिकेट्स एक फाइल में। जब आपके पास खलेरा नहीं होगा, खलेरा मींस क्लटर, आपका दिमाग खाली रहेगा, एंड रिजल्ट आप मोर एंथुसियास्टिक हो पाओगे, एटलीस्ट दिख तो पाओगे। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा ही बन जाओगे। केवल उन्हीं लोगों से दोस्ती करो जो खुद एंथुसियास्टिक है, जो बल्ले बल्ले बोलते हैं, जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, जो हाई स्पिरिट्स में रहते हैं, जो खुद मरे मरे से हैं, वो आपको क्या जिंदा रखेंगे, जो खुद बुझे बुझे से हैं, वो आपका एंथ्यू गंदी नाली में बहा देंगे। इसलिए केवल वही दोस्त जो जोश एंड एंथ्यू से भरे रहते हैं। मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, मोटिवेशनल फिल्में देखो, मोटिवेशनल गाने बोलो,
एक गाना जो अक्सर मेरे में जोश भरता है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही तरन्नम में खुद गा लेना। ऐसे ही मोटिवेशनल शायरी पढ़ो, आप हर समय एंथुजियास्टिक रहोगे। तंबाकू सिगरेट पीना या खाना आपकी एनर्जी को बहा के ले जाता है। स्मोकर्स कभी एंथुजियास्टिक नहीं हो सकते। स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, तंबाकू चबाना छोड़ना पड़ेगा। हमारे मजहब में सिगरेट पीने की मनाही है, एंड ये भी शायद एक कारण है एंथुजियास्टिक होने का। ज्यादा सोफिस्टिकेशन भी कभी कभी आपको लेस एंथुजियास्टिक बना देती है। सोफिस्टिकेटेड कपड़े, सोफिस्टिकेटेड बातें, ये भी आपकी एनर्जी को लो करती है। जरूरत पड़ने पर ही फॉर्मल कपड़े पहनो, मौके के मुताबिक ड्रेसअप हो, सो दैट आपका जोश, आपका उत्साह बना रहे। मेरे ट्रेनर ने कहा था, सोफिस्टिकेटेड पर्सन्स आर नॉट जनरली एंथुजियास्टिक, एंड ओनली एंथुजियास्टिक पर्सन्स सक्सीड इन लाइफ। आइए एक बार समराइज कर लेते हैं। एंथुजियाज्म के बिना लाइफ में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एंथु यानी उत्साह, जोश, अगर असल में ना भी हो तो नकली एंथ्यू शो करो, फील करो। अपनी लाइफ अपने ढंग से जियो, अपनी मर्जी का पहनो, बोलो एंड करो। दिन की शुरुआत एंथुजियास्टिक डायलॉग से करो। नमस्ते सत श्री अकाल में और एनर्जी ले आओ। रिप्लाई में बल्ले बल्ले या टॉप ऑफ द वर्ल्ड बोलो। अपनी हॉबी को जरूर परस्यू करो, उसको जरूर टाइम दो, मिनिमम 15 मिनट डेली। नींद पूरी करो, अपनी रिक्वायर्ड नींद जरूर लो, प्रेफरेबली सिंगल स्ट्रेच, नहीं तो दो या तीन इंस्टॉलमेंट्स में। न्यूट्रिशियस खाओ, अच्छा खाओ। वॉकिंग, जॉगिंग, लाफ्टर, योगा, प्राणायाम जरूर करो, एंथ्यू बढ़ेगा। बेस्ट ब्रांड्स पहनो, बेस्ट ब्रांड्स यूज करो, बेस्ट ड्रेस, वॉश्ड, आयरन, इवन आपके अंडरगार्मेंट्स, सॉक्स, हैंकीज भी ब्रांडेड होने चाहिए, फिर देखो आपका एंथ्यू। ऑर्गेनाइज हो जाओ, हर चीज को सही जगह पर रखना शुरू कर दो, ना ही अपने आसपास खलेरा रखो, ना ही अपने दिमाग में, एंथ्यू बढ़ेगा। जैसी संगत वैसी रंगत, केवल एंथुजियास्टिक लोगों के साथ ही दोस्ती करो, केवल जोशीले लोगों के साथ ही नजदीकी बनाओ, एंथ्यू बढ़ेगा। मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, मोटिवेशनल फिल्में देखो, मोटिवेशनल गाने गाओ, मोटिवेशनल शायरी सुनो। ये खाने की तरह रोज करना है, क्योंकि आपके दिमाग को भी आपकी बॉडी की तरह रोज खुराक चाहिए, एंथ्यू बढ़ेगा। सिगरेट तंबाकू छोड़ दो, ये आपकी एनर्जी को कम करते हैं। अपनी बातों में, अपनी चाल में, अपने कपड़ों में सोफिस्टिकेशन नहीं रखो, एक्सेप्ट जब रिक्वायर्ड हो, एंथुजियाज्म बना रहेगा। वेल फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी, अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, बढ़ते रहो।